हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह स्वीट बहुत ही कम समय में और इजीली बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप लेंगे और हाफ कप मिल्क पाउडर लेंगे और साथ ही हाफ कप मिल्क लेंगे। नारियल का बुरादा, दूध पाउडर और दूध की मात्रा एक समान ही लेनी है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ इलायची पाउडर लिया है और साथ ही कुछ काजू लिए हैं जिसे मैंने कट कर लिया है। गैस ऑन करके बर्तन रखेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। इससे स्वीट कम मीठा बनेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लो फ्लेम पर दूध को 2 मिनट उबलने दें और फिर दूध पाउडर मिला दें। दूध पाउडर डालकर चम्मच से लगातार चलाते जाएं। लगातार चलाने से दूध पाउडर में लम्स नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। आप सभी व्यूअर्स का साथ ही हमें मोटिवेट करता है। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दूध काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा डालकर उसे अच्छी तरह से लगातार चलाएंगे, जिससे वह बॉटम में चिपके नहीं। जब थोड़ा ड्राई होने लगे तो 1/2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा ड्राई होने पर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्वीट को इसी बर्तन में रहने पर, ठंडा होने पर यह चिपकते रहेगा और आसानी से निकलता नहीं, इसीलिए इसे ही गर्मा गर्म प्लेट में उतार लें। अब एक छोटे कंटेनर में घी लगा लेंगे और 1/2 भाग उसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से फैलाकर सेट कर देंगे। दोस्तों, यह मिठाई बहुत ही इजी बन जाती है। देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि यह कितनी सॉफ्ट बनी है। इतनी नरम हो तो इसे गैस से उतार लें, नहीं तो वह बहुत ड्राई भी बन सकती है। यहाँ हम डबल कलर की मिठाई बना रहे हैं। फूड कलर पिंक कलर का लिया है और इसे पानी में घोलकर तैयार किया है। अब इसे हम डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जैसे कि हमें कलर जितना चाहिए उतना लाइट डार्क कर सकते हैं। कलर थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा और ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम कंटेनर में डाल देंगे। अच्छी तरह से फैलाएंगे और सेट कर देंगे। हाथ को घी लगाकर चिकना कर लेंगे, इससे स्वीट हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं। इसे अच्छी तरह फैलाएंगे। थोड़े काजू लेकर उसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, इससे हमारा स्वीट और भी सुंदर दिखेगा। थोड़े दरदरे पीसे हुए पिस्ता डालेंगे। काजू पिस्ता डालने से हमारे स्वीट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब चक्कू से चारों तरफ से किनारों से मिठाई को छुड़ा देंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसे पलट देंगे। कंटेनर में घी लगाकर स्वीट डालने से वह इजीली ही निकल जाता है। अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखकर इसे पलट लेंगे। इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यह स्वीट एक बार ट्राई करके देखिएगा और आपका स्वीट कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। यह स्वीट दिखने में बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।